42 per day. Per day. सुबह 16 लीटर और दिन में लगभग 12 बजे समथिंग 14 और शाम को 12 लीटर. मतलब तीन टाइम मिल्किंग होती है इनकी. किसान भाइयों, आज हम स्पेशली कवर करेंगे महादेव डेयरी फार्म, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो. एचएफ गाय का यहाँ पर बहुत हाईटेक डेयरी फार्म है. इस वीडियो को शुरू करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से कर ले सब्सक्राइब, पास वाली घंटी दबा दे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर से करें. तो सर, सबसे पहले आपको नमस्कार. सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए. त्रिलोक सिंह भाटी. अच्छा सर, कहाँ से है आपका जो डेयरी फार्म है, इसकी लोकेशन? ये उज्जैन जिले में आता है जी, हाथियाखेड़ी गांव में, तहसील बड़नगर है जी. जिला उज्जैन और अपना मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश. सर, मैं सबसे पहले आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहूँगा. सर, मैंने बीकॉम फाइनल कर रखा है जी, ग्रेजुएशन कम्प्लीट है मेरा. और स्टार्टिंग से अपने पापा और ये फार्मर ही हैं. अच्छा. तो इसी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं. तो सर, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने अपना डेयरी फार्म कब स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था? खेती के साथ में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट कुछ चाहिए रहता है जी, कि खेती पे पूरा निर्भर नहीं रह जाता है, इसलिए साथ में कुछ साइड बिजनेस होना जरूरी है. तो सोचा कि साइड से रिलेटिव, खेती से रिलेटिव डेयरी फार्म ही है. जैसे पोल्ट्री भी है पर डेयरी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से डेयरी फार्म अपन ने स्टार्ट किया है. और ये स्टार्ट हुआ है 2015 सिक्स्थ मंथ में. अच्छा, तो सर, मतलब आपने एचएफ गाय पर ही डेयरी फार्म क्यों शुरू किया? सर, बिजनेस के हिसाब से एचएफ बेटर है. जैसे अपने देसी गाय हुई है, वो लॉन्ग टाइम तक दूध भी नहीं देती है और लगभग प्रेग्नेंट होने के बाद दूध भी बंद हो जाता है उसका. तो उस वजह से बिजनेस के पर्पज़ से देसी गाय ठीक नहीं है, बिजनेस के पर्पज़ पे एचएफ ही ठीक है. एचएफ हुई, जर्सी हुई अपनी. अच्छा, तो सर, आप चलिए आपकी थोड़ी गायें बताइए. आपके पास में आप शुरुआत में कितनी गायें लाए थे? लगभग मैं शुरुआत में अपने पास 5 गाय थी जब अपन ने ओपनिंग की थी जी. वो आसपास से ही परचेस की हुई थी, पर उनमें अपने को जो चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था मिल्क. फिर अपन ने वहाँ से अपने हरियाणा से परचेसिंग की एनिमल जी. 10 एनिमल खरीदे अपन ने, तो उनका परफॉर्मेंस भी ठीक रहा और बेटर रहा उनका. तो सर, मैं आपको यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देख ही सकते हो, सर ने बहुत शानदार शेड बनवा रखा है. तो सर, इसके बारे में बताइए थोड़ा, कितने बाय कितने का या फिर कितने? ये लगभग अभी हाल कंडीशन शेड लगभग 200 फीट है, 200 फीट और 100 फीट चौड़ा और लंबाई 200 फीट है जी. अभी भी आगे भी काम चल रहा है, हर साल कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहता है जी. उस हिसाब से. तो सर, आप शुरुआत में आपने इतना बड़ा बनवाया था या फिर? शुरुआत में लगभग 100 फीट के समथिंग बनवा लिया था अपने, 100x100 का जी. क्योंकि बार बार वो करना प्रॉब्लमेटिक रहता है थोड़ा सा, एनिमल को भी दिक्कत आती है. तो सर, कि हम अब हाई मिल्किंग वाली काउस देखते हैं, तो सर सबसे पहले आप बताइए काउस के बारे में. एक एनिमल ये है अपना जी. जो लगभग 42 दे रहा है समथिंग. अच्छा, 42 पर डे. पर डे. सुबह 16 लीटर और दिन में लगभग 12 बजे समथिंग 14 और शाम को 12 लीटर. मतलब तीन टाइम मिल्किंग होती है इनकी जो हाइल्डर्स रहते हैं. लगभग ये भी है हाइल्डर्स, पर ये फर्स्ट इलेक्टेशन में है और लगभग ये फोर्थ इलेक्टेशन में है जी. ये सब सेकंड इलेक्टेशन में है. ये मॉर्निंग में 13-14 लीटर समथिंग और नाइट में भी 13-14. अच्छा, 30 लीटर प्लस ये भी है. 30 लीटर प्लस है. उसके बाद चलिए अब तीसरी देखते हैं. लगभग ये भी समथिंग उसी की है, 12 लीटर सुबह 12 लीटर शाम को. अच्छा अच्छा सर. और एक क्रॉस ब्रीड भी है अपने पास. हाँ. और ये भी लगभग 25 लीटर समथिंग दे रही है जी. सर, मैं यहाँ पर आपको एक आपने बहुत शानदार जो सिस्टम लगा रखा है सर, हेडलॉक. हाँ सर, हेडलॉक. सर, क्यों काम आता है हमारे डेयरी फार्म में, उसकी क्या ज़रूरत है? हेडलॉक का है कि सही तरीके से फीडिंग हो सके अपनी. कि कौन सा एनिमल है, उसको कितना फीड करना है, कितना क्या करना है, उसके लिए बेटर है ये जी. जैसे अपना 40 लीटर वाला है एनिमल, तो उसको उस लॉक कर देते हैं, तो उसमें फीडिंग के लिए बेटर रहता है कि इतना फीड खिलाना है इसको. अच्छा, तो इसलिए बेटर रहता है हेडलॉक सिस्टम. और रोज बांधने का और अभी छोड़ने का इस सिस्टम से काफ़ी छुटकारा एक तरीके से.
सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी जितनी भी काउस है वो सब बिल्कुल घूमती है सर, इनको आप बांध कर क्यों नहीं रखते सर, ये क्वेश्चन मेरा है। लूज हाउसिंग में एक तो अपने को भी फायदा है और एनिमल को भी फायदा है, क्योंकि अगर अपन को कोई चेयर पे बांध के रखेगा तो अपन अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और अपन खुले रहेंगे बिल्कुल अपना जाम मन होगा तो अच्छे से काम कर पाएंगे। उसी तरीके से एनिमल का भी है, एनिमल जिसका जाम मन करता है वहाँ बैठता है, जब उसको पानी पीना जब पानी पीता है, जहाँ उसको फीड खाना तब फीड खाता है, बंदा रहेगा तो ये सब कर नहीं कर पाएगा। और लेबर की भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लेबर को रोज़ बांधना छोड़ना, और एनिमल का पानी पीने का मन नहीं है और लेबर ले जा रहा है और वो नहीं पिएगा तो उसको वापस बांध देगा। बाकी लूज हाउसिंग में जब चाहेगा जब पानी पिएगा, जब चाहेगा जब बैठेगा, उसके हिसाब से रहेगा, तो वो मिल्किंग के लिए भी अच्छा रहता है और मैनेजमेंट के लिए भी बहुत बेटर रहता है। सर जो आपने शेड बनवाया है सर, ये कितना कॉस्ट आ गया था सर इसको बनवाने में? कॉस्टिंग तो हर टाइम का कुछ चेंज होता रहता है जी, क्योंकि हर चीज़ का रेट बढ़ता जाता है कम जाता है। अपन 2015 में जब स्टार्ट किया था इसको, लगभग शेड का लगभग 25 लाख के समथिंग कॉस्टिंग आया था 100x100 का, उसमें मशीनरी भी आ गई है और RCC आ चुका है अपना और शेड आ चुका है। तो सर आप सबसे पहले आपके यहाँ पर डेयरी फार्म में जो मशीनरी यूज़ होती है वो थोड़ी आप बताइए हमें। एक मिल्किंग मशीन है अपने यहाँ और वाटर ट्रप्स है जी जी। सर हम यहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे, जो आपने ऑटो फ्लो वाटर सिस्टम लगा रखा है ये वाला वाटर ट्रप है, इसका जो लेवल बना हुआ है ये 24 घंटे समथिंग यही रहता है। इसके अंदर बॉल लगी हुई है फुटबॉल, जिससे लेवल इसका डाउन होता है, बॉल नीचे होती है और वापस फिलअप हो जाता है। तो इसमें फ्रेश पानी रहता है, ना कंजी और ये नहीं, देख सकते हो आपके बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल तो एनिमल के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है सर, आप अपनी मिल्किंग मशीन बताइए, आपके पास कौन सी मिल्किंग मशीन? मिल्किंग मशीन अपने पास डिलेवाल की है, जो कंपनी स्वीडन की है लगभग, तो ये उसका कॉम्प्रेशर है जो वैक्यूम क्रिएट करता है, और इसके साथ में बकेट लगती है, 4 बकेट है जी। तो उस बकेट से भी अभी बकेट मिल्किंग करते हैं अपन, और काउ ब्रश भी है जी। आप देख सकते हैं हाँ। वो काउ ब्रश है जो एनिमल के लिए पूरा रोटेट होता है, वो ग्रूमिंग के लिए लगभग। अच्छा, तो कितनी कॉस्ट आती है इसकी? इसकी कॉस्ट लगभग डीले वाल का लेते हैं तो 2,30,000 के समथिंग का आता है जी। सर ये मिल्किंग मशीन की कॉस्ट कितनी आती है? मिल्किंग मशीन के पंप के ऊपर है कि कितना डिपेंड करता है कि कितना वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, छोटा पंप भी आता है बड़ा पंप भी आता है। अपन ने जब लिया था जब 1,80,000 के समथिंग का आया था, उसके अंदर अपनी वैक्यूम और 2 बकेट और फैन भी आए थे। अच्छा। जो फैन देख रहे हैं आप और वाटर ट्रक। सर इन फैन को डेयरी फार्म में लगाने का क्या यूज है सर? ये एक तरीका का एग्जॉस्ट फैन है, जो यहाँ की जो गैस बनती है और जो एयर जो पास कर देता उसके लिए है फैन ये, तो उसमें काफ़ी रहता है जो गैस बनना और हवा फ्रेश मिलती है हमेशा। सर अब मैं फीडिंग के बारे में जानना चाहूँगा कि आप गायों के लिए कौन कौन सी फीडिंग करते हैं या फिर क्या क्या खिलाते हैं इनके लिए? सब एनिमल के लिए अलग अलग फीडिंग है, काफ के लिए अलग है, हीफर के लिए अलग है, प्रेग्नेंट काउ के लिए अलग है, ड्राई के लिए अलग है, मिल्किंग के लिए अलग है, हाई मिल्किंग के लिए अलग है, सब के अलग अलग। वहाँ पर जाकर हमें बताइए एक बार। हाँ तो सर हम आ चुके हैं यहाँ पर। सर बताइए, आपने बहुत सारी फीडिंग है यहाँ पर है, तो सर आप डिटेल से बताइए किन काउस के लिए कौन सी फीडिंग है आपके पास में? जैसे ये 500 है जी, दीवाना है जी, 500 जो लगभग 10 लीटर एनिमल दूध दे रहा है उसके लिए 500 है। अच्छा सर। उसी की तरह 8,000 है जो 20 लीटर के समथिंग है उसके लिए 8,000 है, जो 40 प्लस है उसके लिए 10,000 है, और हीफर्स के लिए भी है। ये हीफर फीड है, तिवाना का ही है, ये हीफर फीड है। ठीक है सर, मैं आप यहाँ पर आप जिसे इस तरफ चलिए, आपकी आपने जो रिक्रूटमेंट के लिए भी सारी चीज़ें यहाँ पर रख रखी, तो सर इसकी क्या ज़रूरत रहती है हमारे डेयरी फार्म में? डेयरी फार्म में ये है कि एनिमल बोल नहीं सकता है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एट ए टाइम अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो बहुत बेटर रहता है, और हमेशा डॉक्टर का आना टाइम टू टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अपने लिए नहीं बैठा है कि कहाँ है कैसा है तो कब आ रहा है, ट्रीटमेंट में लेट हो जाएंगे। तो डेयरी फार्म के लिए ट्रीटमेंट 50% तो फार्मर को आना चाहिए,
कि गाय को टेम्परेचर लेना है कितना क्या हो रहा है, उस हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है। तो सर आप इन सबको मैनेज किस तरह करते हैं सर, आपको इनकी डिटेल्स किस तरह पता रहती है? डिटेल्स डॉक्टर के थ्रू पता चलती है कि इस टाइम पे टेम्परेचर पे ये लगता है, ऐसा दिखने में ऐसा रहता है। बाकी डॉक्टर से कॉल करके भी बात हो जाती है तो वो गाइड कर देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो आप ये दवाई दे दीजिए, तो अपने पास दवाई रहती है तो हैंड टू हैंड दे देते हैं। सर इस तरफ मैं देख सकता हूँ कि आपने जो दूध देने वाली गाय हैं उनको अलग रख रहे हैं, साथ में ही जो बछड़ियाँ हैं उनको अलग रखने का क्या रीज़न है सर? बच्चियाँ अलग अलग रहने का सबका फीडिंग के ऊपर है कि एज वाइज है, बड़े छोटे अलग अलग है सब जी, तो फीडिंग के लिए ज़्यादा बेटर रहता है, इजी वे भी रहता है। सर इस तरफ भी आपके पास सर कितनी बच्चियाँ हैं सर आपके पास टोटल? लगभग 60 बच्चियाँ हैं। अच्छा अच्छा सर, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो कि सर सबके माइंड में रहता ही रहता है कि सर डेयरी फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है हमें? सर डेयरी फार्म में प्रॉफिट मैंने तो अभी तक जो देखा है, प्रॉफिट मीन्स दूध से प्रॉफिट तो नहीं निकलता है, दूध से सिर्फ अपना मैनेजमेंट चल सकता है और डेयरी फार्म रन कर सकता है, बाकी जो प्रॉफिटेबल है प्रॉफिटेबल ये सामने है, जो बच्चियां हैं यही प्रॉफिट है मेन, जो लगभग 3 साल के बाद आना स्टार्ट होता है, 3 या 4 साल के बाद, क्योंकि जो दूध का जो पैसा आता है उसी से तो सब कुछ मैनेजमेंट हो जाता है, बाकी इनका हीफर और इनका भी मैनेजमेंट उसी से हो जाता है, बाकी जो हीफर और ये अपना तैयार होती है जो वो अपना मेन वो है। सर अभी आपके डेयरी फार्म पर कितना दूध आ जाता है एक दिन में? एक दिन में लगभग 400 लीटर समथिंग हो जाता है। जी सर, क्या प्राइस होती है सर एचएफ गाय के दूध की? एचएफ गाय के दूध अभी अपने इधर तो फैट और एसएनएफ से चल रहा है तो अपना लगभग 34 समथिंग दूध पड़ जाता है। 34 हाँ। किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये डेयरी फार्म किस तरह लगा है। किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।